सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ये फ्री फायर वालों ने फिर से चिमकांडी वाली हरकत कर दी और ये सुधरेंगे नहीं। तो इनने अभी हमको ईद पे जो बंडल दिया है, ये तो बंडल कॉपी होगा अपने इस वाले बंडल का, आपको अच्छी तरह से पता है। और इससे पहले भी हमको एक बंडल चिपकाया था, वो भी कॉपी था। मतलब भाई कुछ तो एडिटिंग कर ले करो, थोड़ी सी तो मेहनत कर ले करो। हक दिया हट, बस उसी को कॉपी करके कलर थोड़ा सा चेंज करके दे देते हो। ऊपर से इनका तो ना तो गेम में कुछ रिस्पांस होता है, गेम भी बैन पड़ा है इनका, ना रिप्लाई करते गाइस कुछ, बताओ। ऊपर चलता नहीं है कुछ, और ऊपर से इनका गेम तो सही से चलता नहीं है, कभी लैग होता है, कभी खुलता नहीं है। ऊपर से बैन तो हो रखा है ना कोई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? साले मजाक बना के रखते हो, शर्म करो, भगवान से डरो। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिप्लाई करते तो गाइस, मैं तो एक ही सलाह दूंगा, तुम लोग भी फ्री फायर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो और अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और बाकी अभी आप लोग कौन सी क्लास में हो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। अभी आप कौन सी क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो मेरे को कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता लग जाए। बाकी गाइस, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा बहुत मजे के लिए खेलो फ्री फायर, और बाकी मतलब ज्यादा इसमें फोकस मत करो, ठीक है। अपना पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वही काम आएगा। ये फ्री फायर वाले थोड़ी ना काम आएंगे तुम्हारे, ये तो बस पैसा कमाना चाहते हैं तुमसे, ठीक है गाइस। तो ना टॉप अप करो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। ये फ्री फायर वाले ऐसे रहेंगे गाइस। हां गाइस, आप लोग कौन सी क्लास में, एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, और अपने बड़े भाई समझ के गाइस मेरी सलाह को मानना कि यार फ्री फायर में ज्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करना। एक दो घंटा जितना भी खेल ले मजे के लिए आप लोग खेलो, बाकी ज्यादा इसमें मतलब फोकस मत करो, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करो, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करोगे तो बहुत आप लोग मतलब आगे कर सकते हो कुछ अच्छा, बाकी अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली आप लोग को। जैसा अभी के टाइम पर रैंक पुशर को देख लो, क्या करना गाइस बताओ यार। तो इसलिए गाइस बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ो लिखोगे तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, वरना तो ये फ्री फायर बस आपका टाइम वेस्ट करेगा और आप लोग को पागल बना के ये लूटेगा। जैसे गाइस ब्रिटिश लूटते इंडिया को, वैसे ही फ्री फायर समझ लो आप लोग, ये लूटने के लिए आया है और आपका टाइम वेस्ट करके आप लोग को पागल बना के ज़ॉम्बी बना के लूटना चाहता है बस, ठीक है। तो बस यही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरी बात को थोड़ा सा बड़ा भाई समझ के आप लोग सलाह लेना, एंड हाँ जरूर से आप लोग अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना और फ्री फायर को मजे के लिए करना, ठीक है। बाकी कौन सी क्लास में कमेंट जरूर से कर देना, एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, बस आप लोग को थोड़ा सा बता रहा था मैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं। सो हाँ गाइज, नंबर वन ड्रेस कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ओपी लगेगा। तो हाँ गाइज, आप लोग अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन भी नीचे कमेंट कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग के कमेंट भी दूसरे बंदे देख लेंगे और मैं भी देखता हूँ, और आप लोग को मैं हर्ट कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग भी कमेंट कर दो अपने अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन किस तरीके के हो सकते हैं इस वाले बंडल के संग। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का, और जो ये अपने येलो वाले हेयर है गाइज, ये है इलाइट पास के बॉक्स के। जी हाँ, जो इलाइट पास के बॉक्स में जो हेयर निकल रहे थे, तो इलाइट पास के बॉक्स के हेयर है एंड कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ओपी है, एंड बाकी आप कोबरा के हेयर भी पहन सकते हो, या फिर कोई दूसरा बंडल है तो उसके हेयर भी पहन सकते हो, बाकी नॉर्मल ही है और बाकी कुछ इस तरीके के। तो आप भी अपने अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट करके बता दो, बाकी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देखो किस तरीके के ड्रेस कॉम्बिनेशन आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी आप लोग भी अपने अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट करके बता दो, देखते हैं कौन कितने अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट कर सकता है, ठीक है, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा। तो आप अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर देख सकते हो नंबर टू ड्रेस कॉम्बिनेशन, बाकी एक संग तो यहाँ पर देख सकते हो। और हाँ, ये है आप लोग का रैम्पेज के हेयर और ये इलाइट पास के बॉक्स के। नंबर थ्री की बात कर ले तो ये है कुछ कैप के संग, तो देख सकते हो अगर काउबे वाली कैप है तो यहाँ पर देख सकते हो काउबे वाली कैप, या फिर आप लोग की जो नॉर्मल कैप होती है स्टोर वाली, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का, और ये वाला कॉम्बिनेशन वन ऑफ द मतलब सबसे सही कॉम्बिनेशन है। बाकी आप लोग हेयर तो कोई दूसरे भी पहन के ट्राई कर सकते हो, आप लोग का अगर निकला है BTS बंडल का हेयर तो वो भी पहन सकते हो, क्योंकि BTS बंडल का भी काफ़ी सही हेयर है। और आप लोग का जो भी हेयर आप लोग के पास हो, अलग हो कोई, तो वो भी पहन सकते हो नॉर्मल वाकी, एंड स्कार्फ पहन सकते हो। बाकी बात कर ले नंबर फोर की, तो जोकर के संग कुछ इस तरीके का है बाकी, और ये अपना कैप के संग, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग भी अपने अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट जल्दी जल्दी कर दो, तो मैं सबके ड्रेस कॉम्बिनेशन पढ़ता हूँ और हर्ट करता हूँ, और हाँ जिसका कुछ ज़्यादा अच्छा होगा मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो आप लोग, बाकी मैं हर्ट तो कर देता हूँ और आप लोग के दूसरे जो आप लोग के भाई हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, बाकी देख सकते हो नंबर फोर पे कुछ इस तरीके का ड्रेस कॉम्बिनेशन है। बाकी बंडल यार कॉपी फ्री फायर ना सुधरेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर फाइव की बात कर ले तो नंबर फाइव पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो BTS हेयर मैं लेके आ गया हूँ, यानी कि दूसरा बंडल दिखा रहा हूँ, बाकी ये वही वाला बंडल है समझ लो। तो ये किसी और के आईडी से मैं आपको BTS का हेयर करके दिखा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल ये गाइस आप लोग इस वाले बंडल की तरह ही ये नॉर्मल है, और बस कलर थोड़ा सा अलग कर रखा है, बाकी बंडल तो सेम ही है, ठीक है।
तो आप लोग अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छे से कमेंट कर लो, ठीक है। तो मेरे पास जितने आइटम थे फ्री फ्री के, मैंने उन सबसे मिला के आप लोग को ड्रेस कॉम्बिनेशन बता दिए। बाकी आप लोग कोई अच्छे से ड्रेस कॉम्बिनेशन कमेंट कर सकते हो तो जल्दी कमेंट कर दो। और हाँ, ड्रेस कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, सो प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ गाइस, कीप स्टडिंग रेगुलरली।